हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 20 फीट बाई 45 फीट के प्लॉट का मैप लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा प्लॉट है वो ईस्ट फेसिंग प्लॉट है। इसकी जो विड्थ है वो 20 फीट है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसकी लेंथ 45 फीट। तो चलिए, ये हमारा मेन एंट्रेंस है। ये पोर्च एरिया है जिसकी डायमेंशन 8.8 फीट बाई 10 फीट। ये स्टेयर्स हैं। यहाँ से ही एक एंट्री हमारे डायरेक्टली लिविंग रूम में है, और इस प्लॉट में हमारी दो एंट्री हैं। एक एंट्री डायरेक्टली ड्राइंग रूम में है। ये हमारा ड्राइंग रूम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसकी डायमेंशन 9.6 फीट बाई 10.6 फीट है। यहाँ से एक डोर लिविंग रूम की तरफ भी जाता है। लिविंग रूम की डायमेंशन 8.10 फीट बाई 16 फीट। ये हमारा लिविंग रूम है। और इधर ये किचन एरिया है। हमारे किचन की जो डायमेंशन है वो है 5.6 फीट बाई 8 फीट। किचन के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। लिविंग रूम से ही ये एक वॉशरूम है। वॉशरूम की डायमेंशन, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3.6 फीट बाई 7 फीट। ये हमारा वॉशरूम है। और ये हमारा ओपन एरिया है। ओपन एरिया की डायमेंशन 3.6 फीट बाई 5 फीट। ये लिविंग रूम के लिए, यहाँ पे एक वेंटिलेशन के लिए भी ये विंडो दी गई है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। फर्स्ट बेडरूम की डायमेंशन 9.1 फीट बाई 13 फीट। इस बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो दी गई है, और यहीं से एक ये डोर जा रहा है ओपन एरिया के लिए। ओपन एरिया की डायमेंशन 12.2 फीट बाई 3 फीट है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम की डायमेंशन 9.1 फीट बाई 13 फीट। इसकी डायमेंशन ये है। इसी से ये एक अटैच वॉशरूम है। वॉशरूम की डायमेंशन 6 फीट बाई 3 फीट है। तो वॉशरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक विंडो दी गई है, और मास्टर बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे भी एक विंडो दी गई है। तो दोस्तों, ये हमारा 20 फीट बाई 45 फीट के प्लॉट का मैप। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा ही मैप बनवाना है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।